हम आप सभी को जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट दिखा रहे हैं जनपद अंबेडकर नगर से अवसानपुर डिहबा। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के निवर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आशीष पांडे दीपू जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम कब से किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है। हम लोगों के नेता समतामूलक समाज के पुरोधा और धरती पुत्र के खुर्सियत से मशहूर हम नौजवानों की आन बान शान, गरीबों मुस्लिमों किसानों की आन बान शान आदरणीय माननीय मुलायम सिंह जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम के रूप में हम लोग लगातार पिछले 10 वर्षों से जितने वर्ष के नेताजी होते हैं उतने दिनों तक हम लोग जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज जन्मोत्सव कार्यक्रम, आज 82वीं जन्मोत्सव कार्यक्रम के 21वें दिन यहाँ अवसानपुर गाँव में डिहबा पर माँ काली माता जी के चौरे पर शिवालय जी के सामने शंकर भगवान जी का मंदिर है, वहीं पर हम लोगों ने अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के दीर्घायु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए और उनके यशस्वी होने की कामना हेतु हम लोगों ने यहाँ पर हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया। अभी हम लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजपाल कश्यप जी आए थे, उन्होंने यज्ञ हवन पूजन में हिस्सा लिया और आदरणीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के दीर्घायु होने, यशस्वी होने के लिए कामना किया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो डरी हुई सरकार का स्वरूप है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता से बेदखल हो चुकी है, उसके चंद दिन बचे हुए हैं और गिनती पर उसके कुछ दिन शेष रह गए हैं। उसको ये मालूम हो चुका है, एहसास हो चुका है, सर्वे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जा चुकी है, ग्राउंड की रिपोर्ट जा चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया है। उसकी नीतियों से, उसकी रीतियों से जनता पूरी तरह से, खासकर नौजवान तबका, जो युवा जिसको कहा जाता है करुणावी के पौरुष से युग का इतिहास बदलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आज वर्तमान सरकार की कुनीतियों से नौजवान तबका बेहद परेशान है, हताश है, निराश है और उसको केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी के रूप में एक आशा की किरण दिखाई दे रही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जान चुकी है और इसकी वजह से वो आईटी डिपार्टमेंट का, वो SCBI का, वो आईटी रेड लगातार लोगों पे मरवा रही है और लोगों को उत्पीड़न करने का काम कर रही है। अच्छा, वो कहती है कि जो है गुंडा माफिया का शासन खत्म हो गया है, अब राम राज आ गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि रामराज की तो परिकल्पना जो आदरणीय जो गांधी जी ने किया था, उस रामराज की परिकल्पना के उलट बिल्कुल एक वो नए रामराज की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें भगवान राम के नाम पर केवल ब्रांडिंग करने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर ब्रांडिंग करने का काम कर रहे हैं। सत्यता तो ये है कि भगवान राम तो कड़कड़ में बसे हैं, जीव में बसे हुए हैं, उनको आत्मसात करने की जरूरत है, उनको हर नौजवान को आत्मसात करने की जरूरत है, उनके संस्कार, उनके त्याग, उनके बलिदान को आत्मसात करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भगवान राम का दिन भर नाम तो ये लोग जपते हैं, इन कितने नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं जो सच में भगवान राम को जपने का, भगवान राम के चरित्र को आत्मसात करने का काम कर रहे हैं? और अगर वो 10 नेताओं का नाम बता देंगे तो समाजवादी पार्टी अपने ये परिकल्पना के, जो राम राज की परिकल्पना वो कह रहे हैं और कर रहे हैं, जो उनका स्वरूप है, उस पर हम लोग मान जाएंगे कि नहीं, उनकी स्वरूप और परिकल्पना बिल्कुल सच है। और सत्यता ये है कि समाजवादी पार्टी, भगवान राम और समाजवादी पार्टी और समाजवाद, ये तीनों का एक मिश्रण सदैव से रहा है। ये डॉक्टर लोहिया जी की धरती है। डॉक्टर लोहिया जी एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने सर्वप्रथम चित्रकूट में रामायण मेले का आयोजन के लिए प्रयास किया था, जिन्होंने सबसे पहले गंगा और जमुना की बात किया था, सफाई की बात किया था। आज वही भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों को आत्मसात कर रही है। हम लोग पिछले 10 वर्षों से माननीय मुलायम सिंह जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम, जितने वर्ष के माननीय मुलायम सिंह जी होते हैं, हम समाजवादी लोग मिलजुल करके बनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, सब लोग मिलजुल कर पूजा पाठ करते हैं, हवन पूजन करते हैं, रक्तदान करते हैं। ये कटेरी विधानसभा है, ये स्वर्ण कुमार जी की ये धरती कही जाती है, स्वर्ण कुमार जी की परिनिर्वाण भूधरा है, जिसको रामायण से और भगवान राम से बहुत मजबूत समावेश स्वर्ण कुमार जी का है। स्वर्ण कुमार जी को मात्र दीक्त भक्ति का
बलिदानी कहा जाता है, मात्र पित भक्ति के स्वरूप में अप्रतिम मिसाल अगर किसी को दी जाती है तो भगवान राम के बाद आदरणीय स्वर्ण कुमार जी को दी जाती है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, यहाँ से 15 किलोमीटर जहाँ कार्यक्रम आज हुआ है, यहाँ से केवल 15 किलोमीटर की दूरी स्वर्ण क्षेत्र की है। और आप अगर चले जाइए और स्वर्ण क्षेत्र की दशा आप देख लीजिए तो आपको वही सच्चाई का पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का भगवान राम के नाम पर परिकल्पना क्या है, और भगवान के नाम पर जो परिकल्पना करने का विचार उसका है, उसका जो आत्मविचार है वो क्या है। स्वर्ण कुमार की धरती आज भी वैसे ही ठगी महसूस कर रही है। वहाँ की धरती पर ना कोई विकास हुआ है, ना कहीं दूर दूर तक कोई विकास कार्य वहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप, भारतीय जनता पार्टी का पूरा नाम है, बहुत झूठी पार्टी जो लगातार केवल झूठ बोलने का काम करे, लोगों को गुमराह करने का काम करे। हम नौजवान साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम लोग कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के लोग रक्तदान के क्षेत्र में आगे नहीं आते थे, बहुत गिने चुने लोग आगे आते थे, सिर्फ समाजवादी लोग ही थे जो लाल टोपी लगा करके जिले जिले में, अयोध्या मंडल में, हर जिले में, हर अस्पताल में पहुंचने का काम करते थे। जिनका रक्त का अभाव से जो टीवी के मरीज है, कैंसर के मरीज हैं, जो थैलेसीमिया के पेशेंट थे, जो रक्त के अभाव से जूझ रहे थे, उनकी जान बचाने का काम आदरणीय अखिलेश जी के आह्वान पर केवल हम लाल टोपी वाले नौजवानों ने किया था। और इस बात का गवाह 24 जून 2021 की इंडिया टुडे है, जिसमें पूरे देश के 11 कोविड योद्धाओं में केवल मैं समाजवादी नौजवान डॉक्टर आशीष पांडे दीपू, मेरा चुनाव इंडिया टुडे में हुआ था और 11 कोविड योद्धाओं में मैं चुना गया था, जिसका साक्षात प्रमाण इंडिया टुडे है। और मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि पहले वो काम करके दिखाएं, जब काम करके दिखाएंगे तब जनता उन पर विश्वास करेगी। और आज की तारीख में जनता को पूरा विश्वास आदरणीय अखिलेश यादव जी की रीतियों नीतियों पर हो चुका है, और 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जाने कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, हम ग्रामीण क्षेत्रों में घूमते हैं, ज़्यादातर देखते हैं कि डॉक्टर आशीष पांडे दीपू, दादा जयशंकर पांडे जी का नाम होता है, कि कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आधी रात को पहुंच जाते हैं, कहां तक ये सत्य है? देखिए, हम लोगों के नेता आदरणीय माननीय मुलायम सिंह जी ने उनके यशस्वी पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री सूबे की कमान संभाले रहे आदरणीय अखिलेश यादव जी की रीतियों नीतियों से हर समाजवादी नौजवान, हर समाजवादी तबका पूरी तरह से आत्मसात करता है। उन लोगों ने, आदरणीय माननीय मुलायम सिंह जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदैव हम लोगों को यही शिक्षा दिया कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति हो, कोई भी परेशान हो, कोई भूखा हो, उसकी तत्काल हर समाजवादी साथी मदद करें। अब चाहे कोरोना काल हो, चाहे वो कोई भी समय हो, आप अभी आप चले जाइए, यही जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर है, अभी हम समाजवादी साथियों ने कैंप लगाया था, और इस सत्र का सबसे ज़्यादा रक्तदान करने का और जो झंडा बुलंद किया समाजवादी साथियों ने बुलंद किया है, और हम लोगों को नंबर एक प्रथम स्थान यहाँ पर मिला हुआ, ये गवाह है। ये भारतीय जनता पार्टी सबूत मांगती है तो सबूत के तौर पर मैं बता रहा हूँ। और ये आदरणीय अखिलेश यादव जी का पढ़ाया हुआ पाठ है जो हर समाजवादी नौजवान साथी आप साथ करके बैठा हुआ है। अगर आदरणीय हम लोगों को जनता की सेवा के लिए अपने शरीर के खून का एक एक कतरा भी कुर्बान करना पड़ेगा तो हम लोग पीछे नहीं देंगे, अपने शरीर का एक एक खून का कतरा भी हम लोग कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम लोग चाहते हैं कि जनता स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, और खासकर मैं कटहरी की जनता के लिए इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का एक ध्येय है कि कटहरी की जनता में हर जगह खुशहाली आए, एक स्वस्थ और सुरक्षित कटहरी का निर्माण हो।